का टिकटॉक मेरे छोड़ कर जा रहा है, मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिना। Yesterday was very 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 sad day क्योंकि कल टिकटॉक ही बैन नहीं हुआ। क्रिंज, टैलेंट, फॉलोअर्स सब खत्म हो गया भाई। तो यार टिकटॉक हैज बीन बैन अलोंग विद 58 अदर एप्स जिसकी इतनी लंबी लिस्ट आई थी, जिसको आप लोगों ने ऐसे इग्नोर किया क्योंकि उसमें टिकटॉक इंक्लूड था। अब मुझे बात बताओ, पबजी मोबाइल को तो किसी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि उसके अंदर भी तो टेंसेंट कंपनी का 10% स्टेक इंक्लूड है। मानू की लोग है जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप लोग टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स, तो व्हाट इज दिस यार। पबजी भैया इसलिए बैन नहीं हुआ क्योंकि मोदी जी को ये पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स पबजी की लाइव स्ट्रीम करके उनका घर चलता है और बाकी रीजन को पता ही है। ये पबजी वाला है क्या? बट इट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी जी। अब मोदी जी कभी कुछ गलत करते ही है, लेकिन हुआ ये उस टाइम पे जब अभी अभी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का सीन खत्म हुआ था। वाह मोदी जी वाह। इंडिया के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पे जाके कुछ ऐसे ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं, RIP डिलीट दिस पेज इफ यू आर रियल इंडियन, टिकटॉक के बैन होने की खुशी में दारू चलेगी पूरी रात। ऑब्वियसली बात है ये सब जो हो रहा है, इनफैक्ट इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में जो सब हो रहा है इसमें चाइना का सबसे बड़ा हाथ है। कल हमारे जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कल ट्वीट करते हुए लिखा था, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कल लिखा, फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी डिफेंस सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्राइवेसी फॉर पीपल ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट हैज बैन 59 मोबाइल एप्स। जय हिंद। तो भैया इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, ये जो 59 एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक जो बैन हुए, ये इसलिए बैन हुए क्योंकि आपके फोन के डेटा को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे थे। इसलिए नहीं बैन हुए भैया क्योंकि YouTube से कैरी वैरायटी की वीडियो डिलीट हो गई, या कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तुमने ये वीडियो डिलीट कराई हमने पूरा टिकटॉक प्लेटफॉर्म में उठवा दिया। नहीं, कैरी वैरायटी की जो वीडियो है वो YouTube ने डिलीट करी और जो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को जो बाजा बजाया वो सरकार ने बजाया है। डिफरेंस बहुत बड़ा, ठीक है। तो भैया पहले भी कुछ चीजें बैन हुई थी लेकिन तुम उन्हें आज भी रात में देख के खुश होते हो कि नहीं होते? थोड़ा बहुत याद हो तो टिकटॉक भी पहले जब म्यूजिकली था तो हट गया था प्ले स्टोर से, तो फिर वो वापस आ गया था। तो भैया इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ओके? इस वीडियो का मतलब ये था कि चाइना का बॉयकॉट ये अपने घर के सामान फूंकने से नहीं होगा, चाइनीज मोबाइल फोन में आग लगाने से नहीं होगा क्योंकि तुम उसके पैसे चाइनीज कंपनी को ऑलरेडी दे चुके हो, तुम अपने घर में ही आग लगा रहे हो। समझो इस बात को, इधर डालो, किधर? इधर, पैसे तुम दे चुके हो। तो सदस्यों ने चाइनीज फोन को तोड़कर अपना विरोध जताया। तो भैया डैड ब्रिंगर सोच एंड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया तो कर दो यार, जो मैं हर बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, कर दो। तुम साले व्यूज देते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते, कर दो यार। चलो देख लेना पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना वो मुझसे दूर हो जाता है, इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो।